क्रेजी रिजल्ट्स निकल के आए भाई। एक तरफ है मेरे पास मोटरोला H50 Pro, दूसरी तरफ है सैमसंग S21 FE, जो कि जाना जाता है हीटर के भी नाम से क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे जो मोटरोला ने अपने कारनामे दिखाया है ना भाई, बहुत ही तगड़े वाले रिजल्ट निकल के आए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने देखी, फिर मैंने सोचा यार ये OnePlus 12R के साथ कंपैरिजन कैसे इसका कर सकते हैं, क्योंकि ये S21 FE के सामने भी ना बड़ा ही मुश्किल तरीके से यहाँ पर टिका है। चलो सब चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले परफॉर्मेंस से ही शुरुआत करते हैं। स्नैपड्रैगन 888 वर्सेज स्नैपड्रैगन का 7th Gen 3 वाला प्रोसेसर, ऑन पेपर स्कोर्स आप देखिए एंटूटू गीगबेंच सीपीयू जोड़ लेंगे, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 ज़्यादा बेटर स्कोर करता हुआ मिलेगा। रीड एंड राइट स्पीड की बात रही, सैमसंग UFS 3.1 की स्टोरेज देता है, मोटो 2.2 की स्टोरेज देता है, लेकिन यार ऑन पेपर मोटोरोला ज्यादा बेटर स्कोर करता हुआ मिलेगा। लेकिन इस चीज को अगर हम साइड करें, देखो सबसे पहले डे टू डे यूज में आते हैं, हल्के से शुरुआत करते हैं। नॉर्मल यूज के अंदर साइड बाय साइड मैंने दोनों में एप्स वगैरह को लॉन्च करा, आप देखोगे क्विकली सैमसंग के अंदर यहां पे एप्स वगैरह एकदम इंस्टेंट लॉन्च हो जाते हैं। और ये मैंने देखा है जितने भी एप्स वगैरह मैंने लॉन्च करे ना, सब में सैमसंग आगे जाता हुआ यहां पे मिला है। इवन यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि मोटोरोला की UI कुछ कुछ जगह पे जब आप ऐप ओपन क्लोज करो ना तो शटर लैग्स वगैरह यहां पे देती है, वो चीज सैमसंग के अंदर आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। खास करके मैंने देखा है भाई मोटरोला को कैमरा के अंदर चले जाओ तो क्या ही अटक जाता है, वो चीज तो यार सैमसंग के साथ बिल्कुल भी नहीं होती है। डे टू डे यूज के अंदर भी यार परफॉर्मेंस में सैमसंग ज्यादा बेटर जो है निकल के आता है और इस साइड ये क्लियर विनर होता है। लेकिन यहां पे अभी चीजें नहीं है। सबसे पहले देखो नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यानी हम आते हैं वीडियो एडिटिंग करने काइन मास्टर के अंदर, दोनों में सेम सेट करके दोनों में सेम चीज यहां पे मैंने एडिट करी, देखोगे सैमसंग यहां पे आगे चला गया, ये चीज नॉर्मल वाली हो गई। लेकिन सबसे तगड़ी टेस्टिंग कब हुई ना, जब मैं गया भाई आउटडोर के अंदर, दोनों में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था, फोटोज क्लिक कर रहा था, दो तीन चीजें यहां पे मैंने देखी। देखो दोनों ही जो है ना हीटर कहलाने वाले नेम टैग के साथ आ सकते हैं, सैमसंग ऑलरेडी हीटर था, मैं कहूंगा मोटरोला भी हीटर वाले टैग में आता है। दोनों ही तगड़े तरीके से बहुत ही जल्दी हीट हो जाते हैं, जिस तरीके से दोनों ही गर्मा गर्म स्मार्टफोन है उस तरीके से अगर आप गर्मा गर्म वीडियो भी देखना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन मिलेगा यार, उसको जरूर से दबा देना। और ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक वाला बटन भी यार उसको बिना दबाए बिल्कुल भी मत जाना। चाहे आप चार्जिंग में लगाओ, चाहे आप इसके अंदर हैवी टास्क थ्रो करो, चाहे आप नॉर्मल फोटोज लो या वीडियोज लो आउटडोर में जाके, और इस टाइम पे गर्मी एकदम चरम सीमा पे है, उस तरीके से दोनों में ही चरम सीमा पे हीटिंग भी निकल के आती है। एंटूटू के अंदर मैंने देखा यार इसको, आप देखो यहां पे टेम्परेचर दोनों में बस 1-2 डिग्री का फर्क आपको यहां पे देखने को मिलेगा, वरना दोनों ही तगड़े तरीके से हीट होते हैं। देखो हीटिंग के टाइम पे देखो कोई समस्या नहीं है, हीट हो आप हो, लेकिन आपका जब टास्क जो है ना वो खराब नहीं होना चाहिए, उस मामले में मोटरोला बहुत ज्यादा पीछे होता है। मोटरोला देखो अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप नहीं करता है, जहां पे यार सैमसंग जो है अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर देता है, लेकिन परफॉर्मेंस में एकदम टिक के आपको परफॉर्मेंस देता है, वही मोटरोला भाई इतना ज्यादा अटकने लगता है ना। लिटरली आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और उस टाइम पे आप देखो फ्रेम स्किप हो के यहां पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्या ही बुरी वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पे इसके अंदर निकल के आई। मतलब ये तो नॉर्मल वाली चीजें हैं, अगर मैं उसी टाइम पे एकदम हीट हो रहा है ना, फोटोज वगैरह क्लिक कर रहा था, इतना अटक अटक के फोटोज क्लिक हो रही थी कि यार मेरा तो सिर दर्द होने लगा मोटरोला चला के। ये चीज मैं कहूंगा मोटरोला को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। अभी यही वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था और मुझे ध्यान आया कुछ लोग जरूर से आएंगे ज्ञान देने कि भाई आपने वीडियो एडिट वगैरह करके दी हुई है, तो इसीलिए ये जो दोनों जहां पे भी यार वीडियो क्लिप रुक रुक के रिकॉर्ड हुई है ना मोटो के अंदर, वो मैं गूगल ड्राइव के अंदर आपको डाल के दे रहा हूं, अगर आप देख सको तो देख लो भाई, अनएडिटेड पूरी रियल वीडियो वहां पे मैं आपके लिए ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भाई। चलो सैमसंग के साथ हीटर वाला टैग था लेकिन यहां पे ये परफॉर्मेंस में ड्रॉप नहीं करता है, और चीजों में ड्रॉप करेगा जिससे आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल ना खराब हो, तो उस मामले में मोटरोला को बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। और इसका भी प्रोसेसर इतना कोई दमदार नहीं है जितना दमदार स्नैपड्रैगन 888 निकल के आता है, ये चीज मैंने देखी जब मैं गया गेमिंग करने। अब देखो ऐसा नहीं है कि यार सैमसंग के अंदर आपको यार 90 FPS का अनलॉक मिल जाए ऑप्शन BGMI के अंदर, खास करके ये मोटरोला में भी नहीं मिलता है, दोनों में सेटिंग है सिमिलर ही देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज जैसे मैंने आपको बता रहा था नोटिस करी ना, कि जो परफॉर्मेंस टिक के देता है, भले ही यार सैमसंग भी हीट होता है, भले ही मोटरोला भी हीट होता है, लेकिन सैमसंग अपनी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं करता है, ये यार स्क्रीन ब्राइटनेस को ड्रॉप कर देता है। 60 FPS के अंदर मैंने देखा भाई टिक के इसके अंदर गेमिंग होती है, भले ही कितनी जल्दी ये हीट हो जाए, और सिमिलर सिचुएशन मोटरोला के साथ है, हीट जल्दी हो जाता है लेकिन यहां पर यह परफॉर्मेंस में थोड़ा जल्दी ड्रॉप देने लगता है, ये अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप नहीं करता है। ये चीज में यार इनका AI को वर्क करना चाहिए, ब्राइटनेस को ड्रॉप करनी चाहिए ना कि परफॉर्मेंस को,
और भाई दोनों तगड़े तरीके से हीट होते हैं। मोटरोला के साथ एक एडवांटेज मैं आपको इतना बताऊंगा कि इसमें बैक में जो लेदर फिनिश है ना, तो बैक में इतना जल्दी ये हीट फील नहीं होता है। ये चीज सैमसंग में हो जाती है जल्दी फील, क्योंकि बैक में इसमें प्लास्टिक फिनिश आती है। वैसे स्क्रीन के साइड में भाई दोनों तगड़े तरीके से एकदम गर्मा गर्म वाली चीज यहां पे निकाल के देते हैं। तो फिलहाल तो मैं कहूंगा अगर आप भाई आउटडोर में ज्यादा यूज करने वाले हो फोन को, या गर्म वाले एनवायरमेंट में ज्यादा यूज करने वाले हो, मोटरोला तगड़े तरीके से हीट होता हुआ आपको यहां पे मिलेगा। बाकी यार देखो छोटी छोटी चीजों पे आ जाते हैं, जैसे बिल्ड और डिजाइन की यहां पे बात कर लें। बैक से देखो मोटो आपको देता है लेदर फिनिश, यहां पे यार सैमसंग देता है प्लास्टिक फिनिश। दोनों का मिडिल फ्रेम आपको एल्यूमिनियम वाला मिल जाएगा, लेकिन वेट की बात करूंगा तो दोनों में ही बड़ा ही अच्छा वेट बैलेंस करा हुआ है। देखो एक चीज क्लियर रहती है कि मोटोरोला थोड़ा कर्व्स के साथ आता है, सैमसंग हल्के से फ्लैट एजेस के साथ आता है, लेकिन उसमें भी कर्व्स वगैरह है। वन हैंड यूज करना है, दोनों को बहुत आराम से यूज कर पाओगे, लेकिन सैमसंग ना थोड़ा चिंटू मिंटू क्यूट सा वाला डिजाइन के साथ आता है, मोटोरोला थोड़े बड़े से चौड़े से स्मार्टफोन वाले डिजाइन के साथ आपको मिलेगा। मतलब दोनों में ही आपको प्रीमियम फील में कहूंगा एक नंबर की मिल जाएगी। मोटोरोला की थोड़ी सी और ज्यादा बेटर लगी है, क्योंकि बैक में लेदर फिनिश वाला डिजाइन है ना, आपको उसके अंदर फिंगरप्रिंट स्मचेस या स्क्रैचेस विजिबल होंगे नहीं, जहां पे सैमसंग के अंदर प्लास्टिक में मैट फिनिश तो जरूर से है, लेकिन स्क्रैचेस इसके अंदर छोटे मोटे वाले बड़े ही इजी तरीके से लग जाते हैं, तो वहां पे ये सैमसंग के साथ रहता है। बाकी बैक से दिखने में आपको कौन सा ज्यादा बेहतरीन लग रहा है ये तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना, लेकिन ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन में दोनों ने ही तगड़ा वर्क करा है। दोनों में ही गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, मोटरोला गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देता है, सैमसंग देता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन। इस मामले में भी सैमसंग थोड़ा सा आगे चला गया है। वैसे यार दोनों में ही आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, एसडी कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा, दोनों की 5G कनेक्टिविटी मैंने देखी अच्छे से आ रही थी, 4G प्लस की भी कनेक्टिविटी दोनों में ही आपको मिल जाएगी, दोनों में ही आपको NFC का भी सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन जब हम आते हैं डिस्प्ले के साइड, यहां पे आपको थोड़े मेजर चेंजेस मिलेंगे। मतलब एक तरफ देखो फ्लैट डिस्प्ले, एक तरफ आपको कर्व डिस्प्ले, ये तो आप चूज कर सकते हो कौन सी आपको ज्यादा पसंद है। सैमसंग में आपको डायनेमिक 2X वाली डिस्प्ले मिलती है, जो कि 6.4 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज की मिलेगी। मोटोरोला के अंदर आपको मिलती है पीओलेड 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 6.7 इंच की 144 हर्ट्ज वाली यहां पे डिस्प्ले मिलती है। एक चीज जरूर से बता दूं, मोटोरोला की जो 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले ये हर टाइम वर्क नहीं करती, मतलब कुछ ही गेम्स वगैरह के अंदर वर्क करेगी, UI में 120 हर्ट्ज ही रहता है। तो स्मूथनेस के मामले में दोनों ही अगर आप नॉर्मल यूज करोगे आपको एकदम फील होगा, किसी में ज्यादा आपको फर्क वहां पे नहीं पता चलने वाला है। वैसे दोनों के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, तो ये भी एक अच्छी चीज है, दोनों ही क्विकली से आराम से वर्क करते हुए मिलेंगे। मोटो का थोड़ा नीचे है, लेकिन मुझे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन यार देखो डिस्प्ले साइज आप यहां पे जरूर से देख सकते हो, जो सैमसंग है ये चिंटू मिंटू रहता है, जहां पे यार मोटरोला थोड़ा एकदम बड़ा वाला डिस्प्ले साइज के साथ यहां पे आता है। एक चीज और बता दूं, दोनों में 4K HDR का सपोर्ट YouTube के अंदर मिल जाएगा, लेकिन मोटरोला में आप प्ले करने जाओगे तो वो अटक अटक के चलेगी, जहां सैमसंग में एकदम स्मूथली चलेगी स्नैपड्रैगन 888 जो इसके अंदर मिलता है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी यार सैमसंग के अंदर OTT एप्लीकेशन में भी HDR का सपोर्ट है, वो मोटरोला में आपको नहीं मिलेगा। नॉर्मल अगर आप कंटेंट देखने जाओगे, देखो दोनों में जो कलर्स वगैरह हैं अच्छे मिलते हैं, देखो डीप ब्लैक्स दोनों में ही अच्छे मिल जाते हैं, कलर्स थोड़े से पंचियर साइड में ज्यादा आपको मोटरोला के अंदर मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा है, व्यूइंग एंगल दोनों में अच्छे मिल जाते हैं, इंजॉय देखो दोनों में ही अच्छे तरीके से करोगे, तो डिस्प्ले क्वालिटी वाइज या व्यूइंग वाइज आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ एक चीज जरूर से है कि यार मोटरोला की देखो कर्व डिस्प्ले है ना, तो जो बेजल्स वगैरह हैं पतले मिलते हैं एज कम्पेयर टू सैमसंग, जहां पे नीचे आपको जो चिन है थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, बाकी आप साइड्स वगैरह देखोगे तो वो पतले ही रहते हैं। लेकिन जो अगर आप पीक ब्राइटनेस देखोगे तो सैमसंग आपको 1200 निट्स की देता है, जहां पे मोटरोला 2000 निट्स की देता है। ये चीज मैंने यार आउटडोर में भी देखी है कि यार ज्यादा ब्राइटर आपको मोटरोला फील होगा, लेकिन सैमसंग के साथ ऐसा नहीं है कि आउटडोर लेके जाओगे तो आपको विजिबल ही ना हो, विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन यस मोटरोला ज्यादा ब्राइटर यहाँ पे हो जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा मैं ज्यादा पॉइंट दूंगा मोटरोला ने यहाँ पे अच्छा वर्क करा है। वैसे दोनों के अंदर आपको देखो डुअल स्पीकर मिल जाता है, दोनों ही कतई मस्त वाले लाउड होते हैं, ज्यादा लाउडर सैमसंग यहाँ पे फील हुआ है, लेकिन ज्यादा बेसियर ज्यादा मस्त पंची वाला जो साउंड है वो यहाँ पे मोटरोला प्रोवाइड करता है, तो आई थिंक मोटरोला के स्पीकर थोड़े से बेटर लगे हैं, लेकिन जो हैप्टिक्स है वाइब्रेशन मोटर है उस मामले में सैमसंग ने ज्यादा बेटर वर्क करके आपको दिया है। बाकी यार दोनों में ही आपको IP68 की वाटर रेजिस्टेंट वाली रेटिंग भी मिल जाती है, ये तगड़ी चीज है, दोनों को आप पानी के अंदर डिप कर सकते हो कोई भी इशू नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना दोनों में से अगर किसी में दिक्कत आती है तो कंपनी वारंटी क्लेम आपको नहीं करने देगी, अपने ही रिस्क पे आप उठाइएगा वो चीज। बाकी देखो एक जगह जहां पे यार लोगों का काफी ज्यादा डाउट रहता है कि यार सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ क्या है। देखो सैमसंग जो S21 FE है काफी टाइम हो गया है इसको आए हुए, और जहां तक मुझे पता चला है इसके अंदर 1 और 2 साल की ही एंड्रॉइड की अपडेट जो है वो मिलेगी, मतलब एंड्रॉइड 14 पे है, 15 मिल जाएगी वो तो पक्का है, लेकिन 16 का पक्का नहीं है मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट देखो हालांकि आपको मिलती रहेगी। मोटो यहां पे एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, 3+4 ईयर्स का अपडेट का प्रॉमिस इन्होंने करा।
करा है, प्रॉमिस तो करा है। मोटो का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है किस तरीके से, आगे चल के पता चलेगा भाई कितना डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी सी एंड्रॉइड वाली सिचुएशन है, अगर आप ज्यादा लॉन्गर टर्म के लिए सोच रहे हो लेने के लिए, मोटोरोला आई थिंक थोड़ा सा बेटर यहाँ पे हो सकता है। वैसे आप देखोगे यार दोनों में एंड्रॉइड 14 जो है क्लीन यूआई यहाँ पे मिल जाती है, मोटोरोला भी भाई बिल्कुल बिना किसी एप्लीकेशन के साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है, मतलब कोई भी आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलेंगे। सैमसंग के अंदर थोड़े बहुत इसके अंदर मिलते रहते हैं, तो आप अनइंस्टॉल वैसे आप कर सकते हो। लेकिन यूआई फीचर्स की बात रही, मोटोरोला ने भी भाई भर के फीचर्स वगैरह इसके अंदर दिए हैं, अलग अलग कस्टमाइजेशन यहाँ पे कर सकते हो, सिमिलर चीज सैमसंग के साथ आपको मिलती है। सैमसंग में डेक्स वाला सपोर्ट मिलता है, मोटो में भी इनका अलग सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा, तो दोनों में आप कास्टिंग वगैरह कर सकते हो, वो वाला सपोर्ट है। दिखने वाइज यार दोनों में ही अलग अलग लुक निकल के आता है, लेकिन हाँ आपको दोनों ही अच्छा एक्सपीरियंस जो है ओवरऑल प्रोवाइड करते हुए मिलेंगे। फीचर्स वगैरह के मामले में दोनों में से किसी में भी आपको फीचर्स में मेरे हिसाब से कमी नहीं रहेगी, दोनों में कस्टमाइजेशन अच्छे हैं, दोनों में तगड़े तरीके से आप हर जो टास्क है एंड्रॉइड वाले कर सकते हो इसलिए। लेकिन एक चीज जरूर से ध्यान देना, सैमसंग के अंदर आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे, वो चीज मोटोरोला नहीं दे पाता है, तो मोटोरोला में क्योंकि गूगल डायलर यहां पे आता है, बाकी चीजों में तो भाई चंगा सी है। लेकिन यार जो चार्जिंग वाली सिचुएशन है वो बहुत तगड़ी वाली निकल के आई है। सबसे पहले देखो बैटरी की बात कर लेते हैं, दोनों में 4500 mAh की ही बैटरी मिल जाती है। यस, दोनों में सेम बैटरी दी है। बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा सरप्राइज हूं मैं, क्योंकि बैटरी बैकअप के मामले में थोड़ा सा बेटर यहां पे मोटो निकल के आया है सैमसंग के कंपैरिजन में। सैमसंग की बैटरी ना थोड़ा जल्दी ड्रेन होती है यहां पे एज कंपेयर टू मोटोरोला। दोनों में ही 5.5 से 6 घंटे का ही आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा ये है कि मोटो में आपको आइडल ड्रेन मिलता है, वो सैमसंग में नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप हैवी टास्क ज्यादा करोगे तो सैमसंग जल्दी बैटरी आपकी ड्रॉप कर देगा। वायरलेस चार्जिंग दोनों में मिल जाती है, देखो सैमसंग 15 वॉट की देता है, मोटो भाई देता है 50 वॉट की, लेकिन चार्जर आपको 50 वॉट का कहीं नहीं मिलेगा, वो चीज ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन जो वायर चार्जिंग है वो मोटोरोला ने ज्यादा बेटर दी है। जो मेरे पास वेरिएंट है इसमें 48 वॉट की चार्जिंग आती है, एक आपको 120 वॉट का भी वेरिएंट मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। जहां पे सिर्फ 25 वॉट की यहां पे सैमसंग चार्जिंग देता है, जो कि बहुत रो थक के यार चार्जिंग करता है, बड़ा ही टाइम लगता है, 1.5 घंटे से प्लस टाइम लग जाता है, जहां पे यार मोटोरोला आपको 1 घंटे के अराउंड फुल चार्ज करके देता है। तो चार्जिंग वगैरह की सिचुएशन ना यार ये सैमसंग के साथ अच्छी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं रही है। लेकिन जो कैमराज वाली सिचुएशन है ना भाई साहब, क्या ही तगड़ी वाली निकल के आई है, आपको सब चीज एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले देख लो यार मोटोरोला के अंदर आपको 50 MP का मेन सेंसर OIS के साथ मिलता है, 10 MP का टेलीफोटो 3x का जूम वाला आपको मिल जाएगा, 13 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और सैमसंग में 12 MP का OIS के साथ मेन सेंसर, 8 MP का टेलीफोटो, 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा। फ्रंट सेल्फी की बात रही, मोटोरोला आपको 50 MP का सेल्फी कैमरा देता है, सैमसंग आपको देता है 32 MP का सेल्फी कैमरा। एक चीज आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में सबसे पहले मैं क्लियर करूं कि 4K 60 FPS तक आप सैमसंग के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पे कर सकते हो, जो कि मोटो में 4K 30 FPS तक ही लिमिटेड है। ऑलराइट गाइस, तो यहां पे आप देख सकते हो 4K 30 FPS के अंदर दोनों में ही मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हालांकि यहां पे सैमसंग जो है 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखो यार किस तरीके का यहां पे लाइट कंट्रोल आ रहा है, किस तरीके की ऑडियो क्वालिटी आ रही है, ये चीज जरूर से बताना किसमें ज्यादा बेटर ऑडियो क्वालिटी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आते हैं थोड़ा सा धूप में, देखो यहां पे फेस में मेरे सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो यहां पे एक्सपोज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मेंटेन मेरे फेस को कर पा रहा है कि नहीं, कौन सा बेटर तरीके से कर रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे इधर अगर हम आएंगे जब सन जो है मेरे बैकग्राउंड में रहेगा, तब आप मेरे को जरूर से देख के बताइएगा कि किस तरीके का यहां पे जो एक्सपोजर है वो मेंटेन यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे अच्छी चीज, दोनों ही स्मार्टफोन में ना आप अल्ट्रा वाइड कैमरा में स्विच कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते, ये एक काफी महत्वपूर्ण मस्त वाली चीज रहती है अगर आप व्लॉगिंग वगैरह का सोच रहे हो। चलो आओ जल्दी से आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन भी मैं टेस्ट करा देता हूँ, अगर मेन सेंसर में हम स्विच कर जाए किस तरीके की स्टेबिलिटी है, आ जाओ देखो। तो यहाँ पे आपने देखी स्टेबिलिटी आपको ये कुछ इस तरीके की मिल जाती है। वो डू यू थिंक डज बेटर जॉब, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जैसे कि मैंने बताया था ये सैमसंग अब 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन हाँ 60 FPS में रिकॉर्ड करते करते ना अल्ट्रा वाइड में ये शिफ्ट नहीं होता है, तो इसलिए 4K 30 FPS में करना पड़ा, तो उस जगह पे देखोगे थोड़ा सा बेटर सैमसंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मोटोरोला भाई कितने तगड़े तरीके से फ्रेम को स्किप करता हुआ जा रहा है, जैसे इंसान यहाँ पे ऐसे 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 अटकता हुआ, क्योंकि ये हीट हो चुका है, ओवर हीट होके बवाल मचा दिया इन्हें ड्रॉप करके वीडियो रिकॉर्डिंग।
और मैं सीरियसली कहूंगा यार, सैमसंग में वीडियो रिकॉर्डिंग का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब अच्छे अच्छे फीचर्स तो मिल ही जाते हैं, लेकिन हाँ, आप हायर क्वालिटी में जाके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वो चीज एक थोड़ी ज्यादा बेटर रहती है। बाकी जो फ्रंट सेल्फी कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग है, वहां पर भी आप देखो सैमसंग 4K 60 FPS का सपोर्ट देता है, जहां पे मोटोरोला 4K 30 FPS तक आपको लिमिटेड मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 4K 30 FPS में दोनों में ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ऑफकोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, सैमसंग 4K 60 FPS में भी फ्रंट में रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन अभी दोनों में कंपैरिजन दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने 30 FPS में करा है। देखो किस तरीके की रिकॉर्डिंग आ रही है मोटो के अंदर, ये जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। अभी थोड़ा सा दिखाता हूँ, जब बैकग्राउंड में एकदम धूप वगैरह है तो कैसे एडजस्ट कर रहा है, ये भी मेरे को देख के जरूर से आप मेरे को बता देना फेस वगैरह को कौन मेरे अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है। थोड़ा सा दौड़ के आपको दिखाता हूँ OIS किस में बेटर है, लेट्स चेक। तो ये देख सकते हो एक AI है, एक अपना भयंकर वाला सैमसंग का है, लेकिन हु डज द बेटर जॉब, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी यार सैमसंग के अंदर एक अच्छा फीचर भी ये भी मिलता है ना कि आप बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते करते आप फ्रंट कैमरा में भी शिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, और सैमसंग की एक अच्छी चीज ये, जैसे कि अभी मैं 4K 60 FPS में ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, रिकॉर्ड करते करते आई कैन स्विच टू बैक कैमरा। ये देखो ये बैक कैमरा में यहाँ पे ये स्विच हो चुका है, ये 4K 60 FPS के अंदर ही वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये वाली चीज मोटोरोला ऑफ कोर्स नहीं कर सकता है, तो ये व्लॉगिंग के लिए ना थोड़ा सा ज्यादा बेटर फोन हो जाता है। अच्छा, आप देखो अल्ट्रा वाइड कैमरे की यहाँ पे बात करी जाए तो थोड़ा सा शॉकिंग वाला रिजल्ट जरूर से निकल के आया है। यहाँ पे मोटोरोला देखो कि ज्यादा बेटर तरीके से HDR को कंट्रोल कर रहा है। इवन लो लाइट के अंदर भी मैंने देखा है, कलर्स वगैरह के मामले में भी यार मोटोरोला अच्छी डिटेल्स वगैरह के साथ फोटोज वगैरह निकाल रहा है। ओवरऑल चाहे मैंने देखा है जहाँ पे आउटडोर में भी मैंने देखा है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू भी यहाँ पे कैप्चर वैसे सैमसंग ज्यादा करता है, लेकिन यार जो डिटेल्स वगैरह है उसमें आप देखोगे मोटोरोला ज्यादा बेटर डिटेल्स को कैप्चर कर रहा है। इवन यार कलर्स वगैरह के मामले में जहां पे मैंने बोला HDR जो है ना ज्यादा बेटर आपको यहाँ पे मोटोरोला के अंदर मिल जाएगा। इवन शेडोज वगैरह भी आप देखोगे मोटोरोला जो ट्यून है उसको ज्यादा बेटर कॉन्ट्रास्टी ट्यून में रखता है, जो कि दिखने में भी ज्यादा बेटर लगती है। ये चीज तो जरूर से मैं कहूंगा अल्ट्रा वाइड कैमरा में मोटोरोला ने अच्छा यहाँ पे वर्क करा है। लेकिन जब आते हैं मेन कैमरा सेंसर की ओर, सबसे पहले अगर आप कलर्स वगैरह देखोगे, कलर्स की ट्यूनिंग भाई दोनों में काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन जो सैमसंग है थोड़े से रियलिस्टिक वाली ट्यून में यहाँ पे फोटोज वगैरह को निकालता है। ये मैं आउटडोर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे जो सैमसंग के कलर्स हैं थोड़े रियलिस्टिक वाले ज्यादा है, जहां पे यार मोटोरोला ने यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है उसको थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे बूस्ट अप करके रखा है, तो आपको ब्लैक ब्लैक पार्ट ज्यादा मिलेगा। ये मेरी शर्ट ब्लू है जो कि आप मोटो में थोड़ी सी डार्क ब्लू एकदम टाइप की वहां पे पता चल रही है। वैसे अगर आप देखोगे जो शेडोज वगैरह वाले एरिया है उसको ज्यादा बेटर कंट्रोल मेरे हिसाब से मोटोरोला ने करा है, लेकिन यहाँ पे जो सैमसंग है उसको थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करता है, वो भी दिखने में काफी अच्छी इमेज लगती है। बाकी लो लाइट के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे स्किन ट्यूनिंग में जो सैमसंग है थोड़ी सी यहाँ पे आपको देखो व्हाइटिश कूलर टोन में फोटोज वगैरह निकालता है, जहां पे आपका मोटोरोला थोड़ा सा वार्मर टोन में फोटोज निकालेगा। डिटेल्स वगैरह दोनों में ही यहाँ पे काफी एक्सेप्शनल यहाँ पे निकल के आती है, लेकिन मोटो के साथ आपको यहाँ पर भी जो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी वाला टोन है ना वो यहाँ पे चलता हुआ मिलेगा। देखो जो मेन सेंसर है वहां पे तो मैं कहूंगा यार मोटोरोला ने भी बहुत एक्सेप्शनल वर्क करा है, बस इनको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी वाला टोन ना खास करके लो लाइट के अंदर उसको थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा, वरना ये थोड़ी सी डार्कर इमेज प्रोड्यूस करता है। सैमसंग के सामने टक्कर दे दी मोटो ने, ये बहुत ही बड़ी वाली चीज है। लेकिन जब आती हूँ पोर्ट्रेट मोड के अंदर, यहाँ पे एक अच्छी चीज है, मोटोरोला बहुत ही अलग अलग ऑप्शन देता है पोर्ट्रेट मोड में फोटोज वगैरह को अलग अलग लेंथ में क्लिक करने के लिए। सैमसंग यहाँ पे 1x देता है और 3x में आता है, लेकिन एक अच्छी चीज ये है ना कि सैमसंग के साथ कंटिन्यूटी बनी रहती है। 1x में भी खींचो 3x में भी खींचो, जो डिटेल्स वगैरह है सिमिलर आपको वहां पे मिलेगी, कलर्स वगैरह सिमिलर मिलेंगे। मोटोरोला के अंदर ऊपर नीचे वाला हिसाब है, कभी अच्छी फोटोज निकल के आती है, कभी एक बोरी फोटो निकल के आती है, कभी यार बहुत ज्यादा स्लो टाइम लेता है। एक तो खास करके क्लिक करने में, मतलब इतना स्लो हो जाता है ना ये क्लिक करने में कि अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा भी हिल गया वहां पे आपकी फोटोज खराब हो गई। बहुत टाइम मैंने देखा है भाई मेरी फोटो में आई लिड ही बंद आई है, जबकि यार मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि यार आग खुली हुई आए। सैमसंग वहां पे अच्छे से कैप्चर कर लेता है, मोटोरोला की जो शटर स्पीड है काफी ज्यादा यहाँ पे स्लो आती है। लेकिन इतना तो मैं जरूर से कहूंगा कि मोटोरोला ने इस टाइम पे वर्क काफी एक्सेप्शनल किया है। लो लाइट के अंदर भी अच्छी फोटोज वगैरह आ रही है एकदम, सैमसंग के साथ जो टक्कर निकाला है ना अच्छा वाला वर्क मैं कहूंगा बैक कैमरा में खास करके किया हुआ है। लेकिन जब आते हैं फ्रंट सेल्फी कैमरा के अंदर, तो यहाँ पे एक चीज जरूर से पता चलती है कि जो डिटेल्स वगैरह है यहाँ पे यार सैमसंग ज्यादा बेटर प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू मोटोरोला। दोनों के अंदर यहाँ पे देखो यार ट्यूनिंग काफी ज्यादा अच्छी मिलती है, HDR वगैरह दोनों ही ठीक ठाक सा यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन वही है मोटोरोला के अंदर यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी वाली ट्यून देखने को मिलेगी, जो कि यार सैमसंग के अंदर नहीं मिलती है। सैमसंग में ज्यादा बेटर तरीके से कॉन्ट्रास्ट वगैरह को एडजस्ट करके रखता है। बाकी अगर आप देखोगे तो यार मोटोरोला आपको कूलर टोन
में फोटोज निकालता है, यहाँ पे सैमसंग आपको थोड़ी सी वार्मर टोन में फोटोज निकालता है वो मिलेगा। दोनों का जो एज डिटेक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड का एज डिटेक्शन अच्छा है, ब्लर वगैरह दोनों अच्छे तरीके से करते हैं। मोटोरोला कभी कभी यार कलर्स वगैरह को ना अगर फेस पे एकदम डायरेक्ट से लाइट आ रही है उसको एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे देता है, इवन बैकग्राउंड में एकदम हार्श लाइटिंग है तो वो भी थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आती है। लेकिन यार सैमसंग और मोटोरोला दोनों की इमेज में कहूंगा ना ओवरऑल काफी अच्छी सेल्फी कैमरा के मामले में भी यहाँ पे निकल के आती है। देखो यहाँ पर भी क्वाइट शॉकिंग रिजल्ट है, मतलब मोटोरोला ने भी एकदम टक्कर वाला मुकाबला सैमसंग के साथ किया है सेल्फी कैमरा के अंदर भी, बस इसमें यार कॉन्ट्रास्टी टोन थोड़ी सी ज्यादा है सैमसंग के सामने। अगर आप देखो एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा, मोटोरोला ने देखो सब चीज अच्छी यहाँ पे करी है, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुराई इसके अंदर मेजर वाली है, लेकिन यार जो हीटिंग वाली इशू है जो कि यार वर्ल्ड फेमस है सैमसंग के लिए जो कि स्नैपड्रैगन 888 के साथ आता है, वो वाला भी यहाँ पे यार मोटोरोला ने घुस के दिया है। और खास करके जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो दिक्कत निकल के आती है कि अगर आपका यहाँ पे ये हीट होता है ब्राइटनेस ना ड्रॉप हो इस चक्कर में ये परफॉर्मेंस को ही यहाँ पे खराब कर देता है। मतलब यार फोटो खींचने में इतनी इरिटेशन हो रही थी ना कि यार इतना धीरे धीरे फोटोज क्लिक हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो अटक अटक के चल रहा है, नॉर्मल यूज कर रहे हो वहां पे अटक अटक के चल रहा है, तो किस तरीके का ही फोन है। तो बस इतना सा है कि यार देखो मोटोरोला अगर अपनी परफॉर्मेंस वगैरह में यहाँ पे हीटिंग वगैरह में इंप्रूवमेंट करे तो ठीक है, नहीं करेगा तो बहुत ही बेकार है फिलहाल के लिए, क्योंकि इस टाइम गर्मी हमेशा बढ़ती हुई जाएगी और हर टाइम तो एसी में बैठ के आप इसको यूज करने नहीं वाले हो। बाकी यार आपके ऊपर है, जैसा जो लगा मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे जाके आप पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।